परफेक्ट दानेदार बेसन लड्डू बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ तीन ऐसे टिप्स शेयर करूंगी। हर बार आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अगर आप बिगनर हैं, कभी भी लड्डू नहीं बनाए हैं, फिर भी आपका लड्डू एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। जो भी आपका लड्डू खाएगा तारीफ ही करेगा। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि इतना बढ़िया लड्डू घर में भी बनाए जा सकते हैं। आप इस लड्डू का टेक्सचर भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेसन। यहाँ पे 3 कप हम बेसन लिए हैं, वजन में 300 ग्राम बेसन है और बेसन एकदम बारीकी वाला है। घर में इस्तेमाल करते हैं वही बेसन है, ऐसे हलवाई दानेदार बेसन का इस्तेमाल करते हैं लड्डू बनाने में। हम यहाँ पे अपने बेसन को दानेदार बना के तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम 3 टीस्पून हम घी ले लिए हैं। बेसन को दानेदार बना के तैयार करेगा तो पहला टिप्स यही है। अब इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून दूध, तो दूध हम रूम टेम्परेचर का लिए हैं। अब यहाँ पे घी, दूध, बेसन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, लेकिन इसको मिक्स करने में कम से कम आपको 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। इससे क्या होगा कि बेसन एकदम दानेदार बन के तैयार होगा। तो इस तरह दोनों हथेली से रफ करते हुए इसे मिक्स करना है। जो ट्रेडिशनल चीज़ होती है, थोड़ा मेहनत तो लगता है बनाने में, लेकिन बनने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, बेसन में दूध घी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसका टेक्सचर देख सकते हैं, थोड़ा दाना दाना हो गया है। तो इसे ढक करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तब तक के लिए हम बनाते हैं भूरा, या बोलिए तगार, जो कि बेसन के लड्डू में एकदम मस्त है। तो ये रहा दूसरा टिप्स, इससे लड्डू एकदम दानेदार बन के तैयार होगा। कई जगहों पर तगार मिलता नहीं है, तो मैं घर में बना लेती हूँ। इडली बन के तैयार हो जाती है, तो तगार बनाने के लिए 1 कप चीनी लिए हैं और 1/3 कप पानी लिए हैं, और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक। और गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे बनाएंगे ना तो जल्दी से बनके तैयार हो जाती है। और कोशिश कीजिएगा कि ये तगार नॉनस्टिक पैन में ही बनाएं। ऐसे ही वाइट वाइट होने लगे, इसमें ऐड कर दे 1/2 टीस्पून घी, जिससे ये तगार एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगी। इसको मिक्स करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और बड़े बड़े ढेले नहीं बनेंगे। जैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा झाग आने लगे और चीनी वाइट वाइट दिखने लगे, तो आप गैस को ऑफ कर दें और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। चलाते चलाते क्या होगा कि एकदम ये भड़कने लगेगा, मतलब कि चीनी एकदम ड्राई होने लगेगा। तो हमारे तरफ लैंग्वेज में इसे भड़कना बोलते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चीनी एकदम ड्राई हो गया है। इसे लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं। अगर आपको मिक्स करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो ये पर पोटैटो मेसर ले लें और इसे फटाफट इसे ऐसे मिक्स करें। इससे ये बहुत ही अच्छे और एक समान भूरा बन के तैयार होंगे, कोई भी गुठली वगैरह नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा घर में तगार बनके तैयार हो गया है, यानी भूरा। ये बनाने में हार्डली 5 से 6 मिनट लगते हैं और परफेक्ट बनके तैयार हो जाती है। तगार बन गया है, इसे साइड में रखते हैं। ये बेसन को हमें छानना है। बहुत ही अच्छे से बेसन एक समान हो जाएंगे और इसका टेक्सचर एकदम दानेदार आएगा, सूजी के तरह दानेदार हो जाएंगे, सूजी से भी मोटा रहेंगे दानेदार। तो इसे छानने के लिए मोटा छन्नी का इस्तेमाल करें, बारीकी छन्नी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। छाने नहीं बनाइएगा, कहूँ मोटे कहीं दानेदार लड्डू बनके तैयार होंगे। लड्डू एक समान नहीं लगेंगे देखने में। पहले से अगर आपके पास दानेदार बेसन हो ना, तो ये सारी स्टेप करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप घी डालें और उसके बाद बेसन को डाल करके भूनना स्टार्ट करें। हमने घर में ही दानेदार बेसन बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब कढ़ाई में हम 1/2 कप घी डाल दिए हैं। तो कप में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, जैसे ही घी गर्म हो जाएगी, दानेदार बेसन को पैन में डाल करके हम इसे भूनना स्टार्ट करेंगे लगातार चलाते हुए।
गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे हमको भूनना है। यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पे ही बेसन को चलाते हुए भूनना है। अगर आप तेज आंच में बेसन को भून देंगे तो ऊपर से बेसन ब्राउन ब्राउन हो जाएगा और जब आप लड्डू खाएंगे तो उसमें से कच्चा टेस्ट आएगा, मतलब बेसन का टेस्ट आएगा। तो आपको बेसन एकदम धीमी आंच में बेसन को भूनना है, जब तक कि तब तक बेसन में सौंधापन का एकदम खुशबू ना आने लगे, तब तक बेसन में लाइट कलर ना आ जाए तब तक। बेसन भूनने में कम 14 से 15 मिनट का समय लग जाएगा, लेकिन हाँ कंटिन्यूसली बेसन को चलाते रहना है से इसका कलर एक समान आएगा, मतलब ये कि कहूँ से ये ब्राउन ना हो पाए, लगातार इसे चलाते रहिएगा। और इसमें हम 2 टीस्पून हम घी डाल दिए हैं, मतलब कि आप 300 ग्राम बेसन लिए हैं तो यहाँ पे 150 ग्राम घी का इस्तेमाल करना होगा। बेसन लाइट कलर का हो गया है तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसन में हम पानी का छींटा मारेंगे, इससे क्या होगा लड्डू इससे और दानेदार बनके तैयार होंगे। लड्डू बनाने का ये तीसरा टिप्स था, पानी का छींटा आप 2 से 3 बार मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी का नहीं करना है, हल्के हल्के छींटे खाली मारना है और लगातार इसे चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं बेसन में एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसे तुरंत ही बड़े प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। ये स्टेप आपको फटाफट ही तुरंत करना है क्योंकि बेसन काफ़ी गर्म है, अगर आप इसे ऐसे इकट्ठा छोड़ देंगे तो बेसन कहूँ से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। ऐसे ही बेसन को डाल करके इसे लगातार थोड़ी देर चलाते रहें ताकि बेसन यहाँ पे हल्का ठंडा हो जाए। कई लोग क्या करते हैं कि भूरा या तगार गरम गरम बेसन में ऐड कर देते हैं, उससे लड्डू एकदम मेल्ट होने लगता है। यहाँ पे आपको बेसन को ठंडा कर लेना है, लेकिन पूरा एकदम से ठंडा नहीं करना है, हल्का हल्का बेसन यहाँ पे गरम होना चाहिए। बेसन को रखे हुए 5 मिनट हो गए थे, हल्का बेसन गरम है तो यहाँ पे हम तगार जो बना के रखे हैं उसे हम ऐड कर देंगे। हमने तगार बनाया था वो सारा ऐड कर दिए हैं, साथ में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, चाहे तो यहाँ पे कटा हुआ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से लड्डू ऐसे ही बनती है। आप इसे अब तुरंत ही फटाफट इसे मिक्स करें, तो यहाँ पे बेचूला से मिक्स नहीं हो रहा था तो हम अपने हाथों से इसे मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे हल्का सा गर्म है, मिक्स अच्छे से हो जाएंगे तो आप क्या करें कि अपने मनपसंद शेप में लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें। दोनों हथेलियों के बीच से लड्डू बांधना स्टार्ट करें या सिंगल हाथों से बांधे, तो आपको इजी लगे वैसे लड्डू बना के तैयार करें। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कितने दानेदार लड्डू बन के तैयार हुए हैं। 3 टिप्स हम बताए हैं ना, उस तरह से बनाएंगे तो परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। पहले घी दूध बेसन को अच्छे से मिक्स कर ले और बेसन को लो फ्लेम पे इसे भूनना है अच्छे से। बेसन जैसे ही भून जाए तो आप थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करें, नहीं आपको बेसन को कम भूनना है ना ही ज़्यादा भूनना है। भी परेशानी हो बेसन का लड्डू बनाने में आपको सब क्लियर हम कर दिए हैं। इन लड्डुओं को फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखिएगा, नहीं तो ये जम जाएगी क्योंकि इसमें घी बहुत सारा इस्तेमाल हुआ है। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के 15 से 20 दिन तक ये लड्डू खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा लगा दे रहे हैं पिस्ता का कतरन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।